भिलाई टाउन जोन में महिला कनिष्ठ अभियंता और तैनात स्टाफ के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार की ड्राने को लेकर भट्टी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी थाना प्रभारी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, जिस पर संघ के लोगों ने पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव के नाम ज्ञापन सौंपा। कंपनी के निर्देश अनुसार बीती 20 तारीख से बकाया राशि वसूली का कार्य प्रगति पर है। इसके तहत बीएसपी एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी ने संचालित पेट्रोल पंप की बकाया राशि होने के कारण लाइन विच्छेद कर दिया है। इसका विरोध करते हुए ब्रजेश शर्मा नामक व्यक्ति ने जोन कार्यालय में आकर महिला कनिष्ठ अभियंता रुचि बंसूर और लीसा मरकाम के साथ अभद्रतापूर्ण बात की, साथ ही डराया धमकाया। इस बात की शिकायत भट्टी थाने में की गई, लेकिन 23 घंटे का समय बीत जाने के बाद भी थाना प्रभारी ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की, जिससे नाराज कर्मचारियों ने पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। वही मीडिया के समक्ष अपनी बात रखते हुए दुर्ग सर्कल के तरुण कुमार ठाकुर ने विस्तृत जानकारियां दी। 20 सितंबर 2022 की बात है, जब हम उपभोक्ता की बकाया राशि होने के कारण उनके लाइन को विच्छेदित करने के लिए गया था और बकाया राशि न पटाने के कारण लाइन को विच्छेदित किया गया है। इस संबंध में उपभोक्ता द्वारा ऑफिस कार्यालय में आके महिला कर्मचारी कनिष्ठ यंत्री उनके साथ तकनीकी कर्मचारी उनके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया गया था, तो इस तरीके से पूरे भयभीत हो गए थे कार्यालय वाले। तो हमने वहाँ पे भट्टी थाना में एफआईआर दर्ज करने के लिए वहाँ पे आवेदन दिया था, जो अभी तक 24 घंटे बीतने के बाद भी वहाँ पे एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था। उसी संबंध में एफआईआर दर्ज करने के लिए सभी तरह करने के लिए हमने इसी कारण में जब